नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में। आज मैं शेयर कर रही हूँ गाजर की बर्फी की रेसिपी, जिसमें हम कोई घी, दूध, मलाई, क्रीम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ गाजर के साथ हम दो चीज़ें मिलाएंगे और बर्फी हमारी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ले ली है ये आधा किलो गाजर, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। अब इसे हम पील कर लेंगे, चाहे तो पील करने के बाद एक बार फिर से इसको आप अच्छे से धो लें। तो सारी गाजर ये देखिए मैंने छील लिया है इस तरीके से, और इसका ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब गाजर को हमें छोटे पीसेस में कट करना है। तो ये देखिए गाजर को मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ छोटे पीसेस में। रफली इसे आप छोटे पीसेस में चॉप कर लें, बाद में इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो ये देखिए सारी गाजरें मैंने कट कर ली हैं इस तरीके से। अब इन गाजरों को हमें बॉईल करना है पहले, तो मैंने पैन में रख दिया है पानी गरम करने के लिए। मैंने इसमें डाल दी है ये गाजर, करीबन 1.5 कप पानी मैंने रख दिया था बॉईल करने के लिए। गाजरों को हमें बॉईल करना है 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हीट पे, ताकि हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएं। करीबन 5 से 7 मिनट बाद मैं गाजरों को चेक कर रही हूँ। एक गाजर को मैं नाइफ से कट करके देखूंगी कि गाजर हमारी अच्छे से पकी है कि नहीं। तो ये देखिए गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ठंडी हो जाएंगी अच्छे से, उसके बाद ही इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए गाजरें मेरी ठंडी हो गई हैं अच्छे से। अब मैं इसको पानी में से निकाल लूंगी। अब मैं इसे डाल रही हूँ ग्राइंडर के जार में। ठंडा करने के बाद ही इसे आप ग्राइंडर के जार में डालें। ये देखिए गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। ऐसी ही सॉफ्ट गाजर हमें लेनी है। सारी गाजर पानी में से निकाल कर मैं डाल दूंगी ग्राइंडर के जार में। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे। गाजर को पीस के हमें उसकी एकदम स्मूथ सी पेस्ट बनानी है। तो ये देखिए गाजर को मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसकी जगह पर आप चाहें तो अरारोट भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, मैं इसमें गाजर वाला पानी ही ऐड कर रही हूँ। एक बार स्पून से इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स भी ना रहे। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके एकदम स्मूथ सी इसकी पेस्ट हमें बनानी है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक टिन, टिन या थाली कुछ भी ले सकते हैं आप बर्फी को सेट करने के लिए। मैंने यहाँ पर यह टिन ले लिया है। इसको मैं घी से पहले से ही ग्रीस करके रख लूँगी। थाली या टिन जो भी लें आप, घी से या फिर ऑयल से पहले ही आप ग्रीस करके रख लें। अच्छे से ग्रीस कर लें हर तरफ से इसको, क्योंकि तुरंत ही बर्फी को बनाने के बाद हमें सेट करना होगा। इनको ग्रीस करने के बाद इस सारी पेस्ट को मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी, जिस बर्तन में हमें इस बर्फी को पकाना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई। मैं इसमें सारी पेस्ट ये डाल दूंगी जो हमने बनाकर रखी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, गाजर वाला पानी ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं जार में डालकर इसको डाल रही हूँ, ताकि जार भी हमारा क्लीन हो जाए। गाजरों को बॉईल करने के लिए करीबन मैंने 1.5 कप पानी लिया था। सारा ही पानी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए जार भी हमारा क्लीन हो गया है। सारी पेस्ट मैंने इसमें से निकाल ली है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद इसको आप गैस पे रखें पकाने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। मैंने 1/2 किलो गाजर ली थी, मैंने इसमें 1/2 कप चीनी डाल दी है। गाजर की बर्फी में मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे गैस पर रख दूंगी पकाने के लिए। इसे आप मीडियम टू लो हीट पे पकाएं, और इसे लगातार आप चलाते रहें, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसे हमें। और मीडियम हीट पे ही इसे आप पकाएं, ताकि अच्छे से ये पक जाए। और इस तरीके से आप इसको लगातार चलाते रहें, और साइड्स में से इसके एजेस को भी आप इस तरीके से क्लीन करते रहें। तो ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसे आपको लगातार चलाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे आपको। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें कलर ऐड नहीं करूंगी। मेरी गाजरें बिल्कुल रेड कलर की हैं। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्राइट होना शुरू हो गया है अपने आप। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसका कलर एकदम डार्क होता जाएगा। इस मिक्सचर को हमें थिक होने तक पकाना है। तो ये देखिए मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। इसे हम 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये और थिक हो जाए। और जब इसे हम सेट करें तो ईजीली ये सेट हो जाए।
जैसे ही गाजर की बर्फी ये पक जाएगी तो अपने आप ही ये इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और साइड्स भी ये छोड़ देगी। जैसे कि हमने इसमें कोई घी तो ऐड नहीं किया है, तो साइडों में तो ये घी रिलीज नहीं करेगी, पर इस तरीके से ही इकट्ठी हो जाएगी। देखिए ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ तो ईजीली इकट्ठा हो रहा है ये, और इसे साइड्स भी छोड़ दी हैं। अब ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें काफ़ी थिक हो गया है ये, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये देखिए इकट्ठा हो रहा है ईजीली। ये गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं निकाल लूंगी टिन में, जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। तुरंत ही इसको आप सेट कर लें, ये तो कढ़ाई में ये सेट हो जाएगा। गरम गरम में इसको आपको टिन में सेट करना होगा। तो सारा मिक्सचर मैंने टिन में निकाल लिया है। अब मैं इसे स्प्रेड कर लूंगी हल्का हल्का इस तरीके से। एक मोटी लेयर हमें स्प्रेड करनी है इसकी। गाजर की बर्फी को इवनली स्प्रेड करने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद ही इसे हम कट करेंगे। चाहे तो इसे आप कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए गाजर की बर्फी हमारी सेट हो गई है अच्छे से, और साइड्स भी इसने छोड़ दी हैं हल्का हल्का। इस तरीके से साइड्स इसको हम अलग कर लेंगे हर तरफ से। अब इस बर्फी को हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले ली है एक प्लेट। मैं इसके बटन को उल्टा कर दूंगी और हल्का हल्का इसको मैं टैप कर दूंगी इस तरीके से, ताकि आसानी से ये निकल जाए। अच्छे से आप टिन को ग्रीस करेंगे तो इजीली ये निकल जाएगी। तो ये देखिए बर्फी को मैंने डी मोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। जैसे भी आपको पसंद है इसे आप कट कर सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। बिल्कुल जेली की तरह एकदम ये सॉफ्ट बर्फी बन के हमारी तैयार हुई है। बहुत ईजीली ये बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है नारियल का बुरादा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। अब गाजर की बर्फी का एक पीस निकाल कर आप नारियल के बुरादे में इसको अच्छे से कोट कर लें। इस तरीके से आप हर तरफ लगा रहे नारियल का बुरादा इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से सारे बर्फी के पीस इस तरीके से आपको बनाकर तैयार करने हैं। इससे ये बर्फी स्टिकी भी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। तो सारी बर्फी मैं इस तरीके से ही नारियल के बुरादे में कोट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस गाजर की बर्फी को आप बच्चों को सर्व करेंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसे गाजर से बनाया है। उनको लगेगा कि आपने उनको जेली ही दी है खाने के लिए। तो तैयार है हमारी गाजर की बर्फी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई वीडियोज़ का मैसेज आपके पास आ सके।